हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मेरा नाम है वंदना और आप देख रहे हैं मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो, एमओटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टूडेंट ट्वेल्थ का है, चाहे वो बीएससी का है, चाहे वो एमएससी का है, चाहे आप नेट और गेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। एमओटी सबके लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जो एमओटी है मैं वो पूरा बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ। तभी मैं सबसे पहले आपको पोस्टुलेट्स बताऊंगी इसके, ताकि देखो ये जो वीडियो है ये सबके लिए बन रही है, ठीक है। चाहे बीएससी में हो, चाहे आप एमएससी में हो, चाहे आप नेट और गेट की तैयारी कर रहे हो, तो इसलिए हम पूरा बेसिक से पढ़ेंगे इसको। और जो भी नेट और गेट में लेवल आता है एमओटी का, वो सभी टाइप के जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। समझ में आई? एमओटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए, तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना, ठीक है। अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो अभी हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, एमओटी का सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स, यानी हम क्या कर रहे हैं, पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। देखो पोस्टुलेट्स क्या, पहला पोस्टुलेट क्या है, देखो हमें क्या है, अगर कोई हमें मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है, हम बहुत बार पढ़ते हैं, अगर हमें मॉलिक्यूल बनाना है तो मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एटम्स को कंबाइन करवाना पड़ेगा, किसके लिए, मॉलिक्यूल बनाने के लिए। अब ऐसा ही क्या है एमओटी में, एमओटी में हम क्या लेते हैं, एटम्स की जगह एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेते हैं, ठीक है। हम क्या लेते हैं कि यहाँ पे हम बना रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो यहाँ पे ऑर्बिटल तो हमें लेना ही पड़ेगा, यानी हमें क्या करना है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेने हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल लेने के बाद उनको हमें कंबाइंड करवाना है, कंबाइंड करवाने के बाद हमारे पास क्या बन के आता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतनी बात क्लियर है, दो पॉइंट्स आपके क्लियर हुए। उसके बाद देखो, जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइंड करने के बाद हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आता है, जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आता है, किससे आएगा, वो एटॉमिक ऑर्बिटल से। देखो, वो दो तरीके हैं जिससे हम एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं, और वो मेथड कौन से हैं आपके, LCAO मेथड, इसका क्या मतलब है, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, यूनाइटेड एटम मेथड, ठीक है, इसका ये मतलब है। यानी हम ये दो मेथड से हम एटॉमिक ऑर्बिटल को जोड़ के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं। इतनी बात क्लियर है, ओके। अभी देखो, यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है आपका, इसमें क्या है, देखो जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे मैं बोले जा रही हूँ कि आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उसको आपको कंबाइंड करना है, कंबाइंड करने के बाद आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है। इतनी बात क्लियर है। अभी देखो, जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उनको हम दो तरीके से कंबाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दो मैथड्स होते हैं उसको कंबाइंड करने के लिए। पहला मैथड है उसका एडिटिव मिक्सिंग, ठीक है, यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसको हम जोड़ के ऐड करके एक एटॉमिक ऑर्बिटल बना दें। दूसरा मैथड है आपके पास सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग, यानी दो और जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनको सब्ट्रैक्ट करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दी। यानी हमारे पास दो मेथड्स आ गए एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइंड करने के लिए। पहला मेथड है आपका एडिटिव मिक्सिंग, दूसरा मेथड है आपका सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग। इतनी बात क्लियर है। अभी देखो, जो जब आप दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, सपोज आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, ये एस है आपका, ये एस है, इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है और आपको क्या बनाना है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है, ठीक है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है। तो इसमें क्या किया मैंने, क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, यानी एडिटिव मिक्सिंग की है। अगर मुझे क्या करना होता, सब्ट्रैक्टिव, तो हमें इसमें साइन लगाते थे नेगेटिव का, माइनस कर देती दोनों को, तो हमारे पास वो चीज़ आ जाती। इतनी बात क्लियर है, ओके। अब देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, बाय एडिटिव मिक्सिंग, जब हम दोनों दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जब हम जोड़ते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल को जब हम जोड़ते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हमारे पास क्या बन के आएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी देखो, जो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आता है उसमें क्या होता है, जहाँ उसमें होता है क्या है बेसिकली, कि हमें इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉबिलिटी होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जो इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रॉबिलिटी होती है मैक्सिमम होती है, किसके केस में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में। इतनी बात क्लियर है, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सेकंड मेथड है सब्ट्रैक्टिव, तो मैंने क्या बोला, आपको एटॉमिक ऑर्बिटल लेना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब है जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो मिलने की प्रॉबिलिटी होती है यहां पे क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारे पास, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
इतनी बात क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पोस्टलेट्स। अभी देखो हमें क्या बनाना है, हमें एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाना है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। उसके लिए ना कुछ कंडीशंस होती हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं इसको अगर स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो, साथ साथ में उतारना चाहते हो, तो आप इसको पहले उतार लीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो ये टॉपिक यानी ये बेसिक है, ये टॉपिक अगर हम जो एमओटी पूरा बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो अगर हम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे तो हमें एमओटी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो इस टॉपिक से हम जीरेड क्या होता है, अनजीरेड हमारे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। देखो वो चीजें सीखने से पहले अभी मैंने आपको क्या बोला था कि हमने बोला था कि अगर आपको कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर आपको बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जोड़ के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको बनाना है, तो उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। तो देखो उसकी कंडीशन दो है। पहली कंडीशन क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में आपका सिमेट्री का सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। जो आपकी सिमेट्री है वो क्या होनी चाहिए, आपकी सिमिलर होनी चाहिए। और दूसरी आपकी कंडीशन क्या है, जो भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे, ठीक है, यानी सपोज दो एटॉमिक ऑर्बिटल जोड़ के हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, इन दोनों में आपके पास लो एनर्जी का डिफरेंस होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है अगर एक की आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा है और एक की एनर्जी आपकी बहुत कम है, तो इन दो ये दोनों एक दूसरे से कंबाइंड ही नहीं करेंगे, तो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल हम ले रहे हैं, इन दोनों में क्या है आपकी, ये दोनों क्या है, लो एनर्जी के होने चाहिए। समझ में आ गई इतनी बात, यानी दो कंडीशंस है जो आपको याद होने चाहिए, इतनी बात क्लियर है। अब ये वाला टॉपिक करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो इसमें मैंने क्या बोला है, एटॉमिक ऑर्बिटल जोड़े हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए हैं। अभी इसमें देखो मैंने क्या करा, एडिटिव मिक्सिंग की दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, एस और एस की क्या की है, एडिटिव मिक्सिंग की है। मिक्सिंग करने के बाद हमारे पास क्या बना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अभी क्या है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, ये तो हमारे पास क्लियर है, लेकिन ये जीरेड आया है, अनजीरेड आया है, वो कैसे देखेंगे, वो हम देखेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री से। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या, हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल में है या नहीं है, वो हम कैसे चेक करते हैं, हम क्या करते हैं, सेंटर्स से चेक करते हैं। हम बिल्कुल क्या करते हैं, अगर कोई आपके पास मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का बिल्कुल आप सेंटर पकड़ोगे और सेंटर से आप क्या देखोगे कि उसके जो ऑपोजिट कॉर्नर्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। ऑपोजिट कॉर्नर का मतलब इसकी आपने क्या पकड़ा, यहां पे सेंटर पकड़ा, अब इसके ऑपोजिट कॉर्नर क्या निकलेगा, एक तो ये निकलेगा, इसके ऑपोजिट ये वाला, ठीक है। यानी ये दोनों ऑपोजिट कॉर्नर्स क्या होने चाहिए, एक दूसरे के सेम होने चाहिए। अगर सपोज ये वाला सेम हो गया, ठीक है, अगर सपोज ये दोनों सेम हो गए, ये भी सेम हो गए, ठीक है, लेकिन ये वाला सेम नहीं हुआ, ठीक है, यानी ये सारे डायरेक्शन से आपकी जो आपकी ऑपोजिट कॉर्नर सेम होने चाहिए। मैं ये बोल रही हूँ सेंटर ऑफ सिमेट्री होने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल में चारों तरफ से आपकी जो ऑपोजिट कॉर्नर है वो क्या होने चाहिए, सेम। अगर किसी में भी अगर सपोज इसमें सेम है, इसमें सेम है, लेकिन इन दोनों में सेम नहीं है, तो उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। अभी अगर इसकी बात करें हम, तो इसमें देखो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट कॉर्नर सेम। अगर इसमें देखें यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ऑपोजिट कॉर्नर सेम। अब इसमें देखो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ऑपोजिट कॉर्नर सेम। अगर इसमें देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी ऑपोजिट कॉर्नर सेम। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट, आई प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री आपके प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जीरेड। इतनी बात क्लियर है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरेड। जहां पे आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाए, उसको आप क्या बोलोगे, अनजीरेड, ठीक है। इतनी बात ओके। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिया है पॉजिटिव, ठीक है, उसको मैंने क्या करवा दिया, माइनस करवा दिया, सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग करवाई है। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिया है, यहाँ पे भी क्या हो गया, आपकी सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग होगी। सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग होने के बाद आपका ये बन के आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आपका ये बन के आता है। अगर इसमें हम चेक करेंगे अगर आई है या नहीं है, इसमें अगर हम देखें तो हम वही है, ऑपोजिट कॉर्नर चेक करेंगे। अगर इसका ऑपोजिट कॉर्नर हम ऐसे ही मिला दें, ठीक है, ऐसे जाएंगे तो सेम है, ऐसे जाएंगे तो सेम है, ऐसे जाएंगे तो सेम है, लेकिन अगर हम ऐसे जाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है आपका, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इन दोनों में आपका सेम नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, आई आपका एब्सेंट है। देखो अगर आपका एक भी कॉर्नर, ठीक है, अगर आपका एक भी ऑपोजिट कॉर्नर्स है सेम नहीं आए, तो वहां पे आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाती है। इतनी बात क्लियर। तो अगर आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाती है, तो आप क्या बोलोगे, अनजीरेड, अनजीरेड, ठीक है, जी रेड।
क्लियर है इतनी बात? ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो थर्ड है, यहाँ पे मैंने क्या की है, एडिटिव मिक्सिंग करवाई है। एडिटिव मिक्सिंग करने के बाद मेरे पास ये एमओटी बनता है, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हमारे पास बनता है। अब इसमें क्या है, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, ऑपोजिट कॉर्नर्स मिलाएंगे। तो जब इसमें ऐसे जाते हैं, हम पॉजिटिव का पॉजिटिव है, ठीक है, ध्यान से देखना, पॉजिटिव का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव का नेगेटिव है, यानी इसमें जाएंगे तो सेम है, इधर जाएंगे सेम, इधर जाएंगे सेम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें चेक करा पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जी रेड, ठीक है, इतनी बात। अगर इसको देखें, जो ये फिफ्थ वाला है, फोर्थ वाला करते हैं हम, जो फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाले में क्या है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मैंने कंबाइन करा एडिटिव मिक्सिंग से, मिक्सिंग करने के बाद मेरे पास ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आता है। अगर इसमें चेक करें, देखो इसमें जाएंगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ जाते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव आता है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, आई एब्सेंट है। अगर आई एब्सेंट है तो यहाँ पे क्या है, अनजीरेड, क्या है ये, अनजीरेड है। जो फोर्थ है, फोर्थ में क्या होगा, देखो ये तो पहले ही हो गया, ठीक है, जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मैंने कंबाइंड किया बाय सबट्रैक्टिव मिक्सिंग, तो यहाँ पे क्या है, जब हम ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे आई क्या है, एब्सेंट है, एब्सेंट है। खुद देखो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव है और यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव है, दोनों मिक्स ही नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ से आई एब्सेंट है, तो यहाँ पे क्या आ गया, अनजीरेड, ठीक है। जीरेड अनजीरेड आपको देखना आगे कैसे करना है, आपको आगे मैं और भी इजी वाला तरीका बता दूंगी आपको, जो बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ऐसे ही समझा के आना पड़ेगा टीचर्स को, ठीक है, लेकिन जो आपके नेट वाले स्टूडेंट्स हैं, गेट वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ट्रिक्स चलती हैं, ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगी, आसान आसान है ये चीज़ें, ट्रिक्स से हो जाती हैं, एग्जाम में ट्रिक्स से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, वो मैं आपको सारा करवा दूंगी, आगे आगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अच्छे से समझाऊंगी। जो बीएससी के स्टूडेंट है वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एमएससी के हैं वो देख रहे हैं, नेट गेट वाले भी देख रहे हैं, तो इसलिए मुझे पूरा बेसिक से समझाना ही पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपके लिए यूजफुल है, चाहे आप पूरा अच्छे से लेना चाहते हैं इस वीडियो से, तो आप अपने नोट्स बना लीजिए, अगर आप सिर्फ ट्रिक्स लेना चाहते हैं तो ट्रिक्स ले लीजिए, जो भी जैसे स्टूडेंट करना चाहते हैं आप, ठीक है, तो वो कर लेंगे हम, इसलिए बात क्लियर है। अगर आपको ये टॉपिक उतारना है अपने कॉपी पे, तो नोट्स बना लीजिए साथ साथ में, ठीक है। देखो अब हम पढ़ने वाले हैं एमओटी ऑफ होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल के हम के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, एमओटी, एमओटी ऑफ होमोडायटॉमिक डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हम ये एमओटी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, इतनी बात। अभी इसमें देखो क्या किया है, देखो ये जो मैंने बनाया है ये 1s के लिए है, ये 2s के लिए है, ये 2p के लिए है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, जो अगर ये आपको जो ये पाई है और या फिर ये सिग्मा है, क्योंकि इसमें बेसिकली पाई और सिग्मा यूज हो रहे हैं, अगर पाई और सिग्मा आपको एज इट इज मिलते हैं, इसके ऊपर आपको कोई स्टार नहीं मिलता, कुछ और नहीं मिलता, तो ये किसके रीजन में जाते हैं आपके पास, बॉन्डिंग रीजन में, तो ठीक है, इसका मतलब क्या अर्थ होता है आपके पास, बॉन्डिंग, अगर इसके ऊपर स्टार लगा दिया जाए, ठीक है, तो ये किसके रीजन में चला जाएगा आपका, एंटी बॉन्डिंग रीजन में, ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग में, ये बॉन्डिंग में, ठीक है, इतनी बात, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1s है, 1s का ये जो नीचे वाला है ये बॉन्डिंग होता है, ऊपर वाला आपका एंटी बॉन्डिंग होता है। अब 1s का जो नीचे वाला है उसको कैसे लिखा है मैंने, सिग्मा 1s, ठीक है, ये क्या आपका बॉन्डिंग रीजन है। अब इसका ही जो आपका एंटी बॉन्डिंग बनेगा वो क्या बनता है आपका, ऊपर, ठीक है, बॉन्डिंग हमेशा नीचे बनता है, लो एनर्जी का होता है, एंटी बॉन्डिंग हाई एनर्जी का होता है, तो वो ऊपर बनता है, ठीक है। अभी इसका जो बॉन्डिंग रीजन है वो नीचे है, इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा के ऊपर देखो क्या लगा है, स्टार, ठीक है, सिग्मा के ऊपर क्या लगा है, स्टार, तो इसका एंटी बॉन्डिंग है, ये सिग्मा 1s है, इसका एंटीबॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। अभी सिग्मा 1s है तो इसका नाम क्या है, ये क्या है, नीचे वाला जो होता है वो होता है जीरेड, वो क्या होगा आपका, जीरेड। अब ये जो सिग्मा स्टार 1s है ये क्या है आपका, अनजीरेड, ठीक है, ये अनजीरेड हो गया। अभी 2s है, इसका जो आपका बॉन्डिंग रीजन नीचे वाला है ये क्या आपका एंटीबॉन्डिंग है, बॉन्डिंग और एंटीबॉन्डिंग, बॉन्डिंग है सिग्मा 2s, ये एंटीबॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, इसको हम बोलेंगे जीरेड और इसको हम बोलेंगे अनजीरेड, ठीक है, इतनी बात। अभी जो 2p वाला है, अभी इसमें देखो यहाँ पे क्या है, 2p को हमने लिखा है, ये दो बॉक्स लिखे हैं, ये एक बॉक्स, इसमें क्या है, इसका नेम है पाई 2px, इसका नेम है पाई 2py,
ठीक है, पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई, और इसका है सिग्मा टू पी जेड, ठीक है, इसका नाम है पाई टू पी एक्स, इसका है पाई टू पी वाई, इसका सिग्मा टू पी जेड, ठीक है। अब देखो इसका जो एंटी बॉन्डिंग है वो बना है ये रहा पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, और इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा टू पी जेड का ये रहा सिग्मा स्टार टू पी जेड, ठीक है। ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की बात हो गई। अभी देखो जो आपके ये मैंने बनाए हैं, हाँ ये क्या है आपके, ध्यान से सुनना इसको, ये जीरेड है, ये अनजीरेड है। अभी जो दो बॉक्स है देखो ये क्या है आपके अनजीरेड, अब ये भी अनजीरेड है, ये भी अनजीरेड है, ठीक है। ये क्या आपका जीरेड के केस में आता है, ये आएगा आपका जीरेड और जीरेड, दोनों जीरेड है, ठीक है। ये क्या है आपका अनजीरेड है, ठीक है, जीरेड अनजीरेड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाता है। अभी देखो ये वाला जो है आपका ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो आपका 2p का ये वाला पार्ट है सिग्मा 2pz और पाई 2px पाई 2py का जो पार्ट है, ये क्या हो जाता है, ये किस, ये चक्की, ये क्या चला जाता है, ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पे बना देते हैं, ये ऊपर और ये नीचे, कैसे ऐसे हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है, सारा तो नहीं बनाऊँगी लेकिन मैं करके दिखा देती हूँ आपको होता कैसे है, सॉरी पाई 2px, ठीक है, पाई 2py और ये सिग्मा 2pz, ये अनजीरेड, ये आपका यही जीरेड है, ठीक है। जीरेड अनजीरेड कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन क्या होता है ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे चला जाता है, लेकिन जाता किसके केस में, ये किसके केस में जाता है, O2 और F2 के केस में, ठीक है। O2 और F2 अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे, ये जो दोनों हैं ये क्या करोगे, आप चेंज कर दोगे, ऊपर चले लिख दोगे, ये वाला नीचे लिख दोगे, बाकी जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी वो सेम ही रहेगी, मैं आपको बता देती हूँ कैसे। अब ये जो आपका ये एज इट इज कैसे रहेगा, वो तो हमने बता दिया कि चेंज होता है वो किसके केस में, O2 और F2 के केस में, ये किस में होता है आपका C2 और N2 और आपका B2, ठीक है, C2 N2 और B2 के केस में आपका क्या रहता है, ये सेम इस तरीके से रहता है। इतनी बात क्लियर है। देखो एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो नेटवर्क गेट के स्टूडेंट्स हैं अगर वो देख रहे हैं तो अच्छे से सुनना इसको। देखो यहाँ पे जो आपका C2 और N2 और B2 का जो केस है, इसमें क्या होता है, ये दोनों जो आपके ऑर्बिटल्स हैं इसमें क्या है, इन दोनों में इसमें डिफरेंस बहुत कम होता है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस कम होने के कारण, ठीक है, ये क्या है, सपोज आपका ऐसा ये पी है या फिर ऐसा ये पी है, इन दोनों में आपका डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। डिफरेंस कम होने के कारण इनकी मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है, इनकी मिक्सिंग पॉसिबल हो जाती है। लेकिन अगर हम O2 और F2 के केस में बात करें, इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, अगर O2 F2 के केस की बात करें, इन दोनों में ही डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण इसमें sp मिक्सिंग पॉसिबल नहीं होती। तो आपको क्या दे दिया जाएगा, आपको ना ये ऑप्शंस में बना के दे दिए जाते हैं कि आपके यहाँ पे पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई ये सिग्मा टू पी जेड में आपके यहाँ पे मिक्सिंग पॉसिबल है, ठीक है, इन केस ऑफ बी टू सपोज, ठीक है, या फिर इसका कॉम्बिनेशन बना के दे दिया जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन बना के दे दिया जाएगा, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है। इतनी बात, तो ये चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी, इतना आप उतार लीजिए, आगे हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग में अभी आपको मैं बता देती हूँ, देखो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग क्या है, ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है, वन, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन वन, फीलिंग कैसे करनी है, वन टू थ्री फोर, ठीक है, फाइव सिक्स, यहाँ पे कर देती हूँ मैं सेवन एट, ठीक है। ये जो है अभी इसको ध्यान से देखना, ये होता है आपका सेवन एट हो गया, नाइन टेन, ठीक है, पहले नाइन टेन फिर इलेवन फिर ट्वेल्व, ठीक है, यहाँ पे थर्टीन फोर्टीन, यहाँ पे फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, ठीक है, इस तरीके से फिलिंग होती है, पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, ठीक है, फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, ठीक है, तो उतार लीजिए आप। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यानी आपको एमओटी से कौन से क्वेश्चंस हैं जो नेट और गेट में या फिर एमएससी में किस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। देखो जो पहला टाइप वो क्या है आपके पास पूछ सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन,
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, जैसे अभी मैंने आपको आपके पास यहाँ पे एमओटी बनाई थी, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, पहले क्या पढ़ा था, सिग्मा एस, फिर सिग्मा स्टार वन एस, फिर सिग्मा टू एस, फिर सिग्मा स्टार टू एस। उसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग भी बताई थी। सपोज आपके पास जो सिग्मा वन एस है उसमें आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स आए, तो आप क्या लिखोगे उस पर, सिग्मा टू टू एस, ठीक है। इस तरीके से लिखोगे कि सिग्मा टू 2s, यानी आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा सिग्मा स्टार 2s, फिर आएगा आपके पास सिग्मा, ये क्या है, 1s के लिए था, अगर उसके बाद आएगा आपका 2s के लिए सिग्मा 2s, सपोज दो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, और सपोज आपके सिग्मा जो स्टार है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आया है, तो आप इस तरीके से लिख दोगे। अब इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी वो पूछ सकते हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, बस कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना कैसे है। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग बताई है, वो किस बॉक्स में आपका आ रहा है, उस बॉक्स का नेम क्या है, सिग्मा वन एस है, बस उसके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो आप लगा दोगे, चाहे एक है, चाहे दो है, चाहे तीन है, इस तरीके से आप ऊपर लगा दोगे, ठीक है। तो टाइम वो क्या पूछ सकते हैं आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको मॉलिक्यूल देख के आपको, ठीक है। सपोज बी टू दिया है, बी टू के आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन आप लिख के दिखा दोगे, ऑप्शंस आपको दिए होंगे तो ऑप्शन टिक कर देना, ठीक है। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन वहां पे पूछा जा सकता है टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस्ड पे। जो टाइप सेकेंड है वो क्या है आपके पास, देखो वो पूछ सकते हैं आपके पास कि होमो क्या है और ल्यूमो क्या है। होमो ल्यूमो क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। होमो ल्यूमो क्या होता है कि हम जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तब हम कैसे पता चलेगा कि हमारे पास होमो क्या आया है और ल्यूमो हमारे पास क्या आया है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, आपको होमो ल्यूमो से सवाल आ सकता है, आपको आ सकता है सिग्मा, सिग्मा स्टार और पाई से, पाई स्टार से, ठीक है। एक तो ये वाला, एक इस तरीके से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, एक ये एक आ सकता है आपका जी रेड और जी रेड, ठीक है। सपोज आपकी आपका यहाँ पे हो गया कि इलेक्ट्रॉन आपके ने यहाँ तक ही फील्ड किए, ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ तक ही फील्ड किए, आपका हो गया यहाँ पे, ये आपका जी रेड आया था, ये अनजी रेड आया था, ये जी रेड आया था और ये अनजी रेड आया, आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में गया है, ठीक है। जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है सपोज वो अनजी रेड में गया है, तो वहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, अनजी रेड, ठीक है। इस तरीके से आपको पूछ सकते हैं, सपोज लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ तक ही आता, अगर इसको भूल जाओ तो इसमें क्या है, यहाँ तक ही आता, तो इसकी ऑर्बिटल का नेम क्या है आपका, जी रेड, तो आप क्या लिख दोगे, जी रेड है। अगर इलेक्ट्रॉन आपका लास्ट पे यहाँ पे आता तो उसको लिख दोगे आप अनजी रेड, तो अनजी रेड। हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, आपको अच्छे समझा दूंगी मैं, ठीक है। उसके बाद आपको डीजनरेसी पूछ सकते हैं, ये भी मैं आपको क्वेश्चंस के साथ ही बताऊंगी, ठीक है, समझ में आ गई। जो टाइप थर्ड है, जो टाइप तीसरी है वो क्या है आपके पास, सपोज आपका कोई भी ऑर्बिटल है, सपोज आपका कोई भी ऑर्बिटल है, सपोज O2 दिया है आपको, ठीक है, आपके पास O2 है, अगर इस O2 में आपका एक इलेक्ट्रॉन या तो निकाल दे, ठीक है, एक O2 में आपका इलेक्ट्रॉन या तो निकाल दे या फिर O2 में एक इलेक्ट्रॉन आपका ऐड कर दे, समझ में आ रहा है, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे या फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे, ठीक है, या तो आपका एक इलेक्ट्रॉन ऐड करे और या आपका एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दे, ठीक है। तो आपका ये करने से, आपका ये करने से आपका नेचर ऑफ ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑर्बिटल का नेचर क्या हो जाएगा, फिर आपको नेम बताना है, नेम किसके सेंस में बताना है आपको, कि ये जीरेड रहेगा या फिर अनजीरेड रहेगा, समझ में आ रही है। अगर आप सपोज O2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो या फिर O2 में एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहे हो, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि नेचर ऑफ ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कि आपका रिड्यूसिंग हो जाएगा या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, इस तरीके से वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद आपको आ सकता है कि आपके पास सपोज O2 पॉजिटिव है, O2 पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने निकाला, तो सपोज O2 पॉजिटिव के कारण सपोज O2 था, ठीक है, तो मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फील्ड हो रहा था, समझ रहे हो, यहाँ तक फील्ड हो रहा था, अगर सपोज एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया तो वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ तक ही फील्ड हुआ, तो उसका नेम क्या आ गया आपका, जी रेड। अगर सपोज कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फील्ड हो रहे थे, सपोज यहाँ तक हो रहे थे, अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन मैं ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, इसमें चला जाएगा, तो उसका नेम क्या हो जाएगा आपका, जीरेड, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, जीरेड है या फिर अनजीरेड है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद आपका आता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। टाइप फोर्थ आती है आपके पास, टाइप चौथी क्या है कि नंबर ऑफ अनपेड
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वहां पे पता चल गए तो वहां पे आप पैरामैग्नेटिक बता सकते हो, पैरामैग्नेटिक बता सकते हो और आप डायमैग्नेटिक बता सकते हो। अब इसका मतलब क्या है, वैसे बेसिकली स्टूडेंट्स को पता होता है, बाकी नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। सपोज आपके पास ये दो ऑर्बिटल है, सपोज आपका ये है 1s का, यहाँ पे मेरे पास ये है ऑर्बिटल और ये है ऑर्बिटल, इस तरीके से था, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है आपका सिग्मा 1s, यहाँ पे आपके पास सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सपोज आपके पास आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, यहाँ पे चार फिलिंग करनी है आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की, तो मैंने क्या किया 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल है इस पे जो कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स लेने की, दो ही है, ठीक है, तो दो ही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन फील्ड हो गए, तो इसमें भी दो ही है तो दो इलेक्ट्रॉन फील्ड हो गए, तो किसके केस में जाएगा आपका, डायमैग्नेटिक के केस में। सपोज यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होती तीन, ठीक है, सिर्फ तीन करनी होती तो आप क्या करते, 1, 2 यहाँ पे तीन, ठीक है, यहाँ पे फील्ड होता तो इसकी कैपेसिटी दो की थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, सपोज आपका यहाँ पे क्या आया आपका, एक ही आया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, चाहे ये डायमैग्नेटिक हो गया है नीचे वाला पूरा इलेक्ट्रॉन फील्ड हो गया है, चाहे ठीक है फील्ड हो गया है, लेकिन ये जो ऊपर वाला ऑर्बिटल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आया है। अब इस एक इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या बन जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अगर फुली फील्ड होता है तो डायमैग्नेटिक, अगर हाफ फील्ड है तो वो क्या हो जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, समझ में आ गई। आगे हम देखते हैं, ठीक है, जो आपकी टाइप फिफ्थ आती है वो क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू, जिसका फॉर्मूला n+2 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है, बोहर मैग्नेटॉन, यहाँ पे n क्या है आपका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू भी पूछ सकते हैं इससे, तो इन एन क्या है आपका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने आपको देखना सिखा ही दिया कि जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन 1 है 2 है 3 है, बस आप एन की जगह पे पुट कर दोगे उसकी, बोहर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है, तो इसके फॉर्म में आप निकाल दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4-5 टाइप के थे और भी हैं टाइप्स, ठीक है, टोटल 8 और 9 टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन उतार लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए आगे हम देख लेते हैं, पहले हमने पढ़ लिया था यहाँ पे 5 टाइप हमने पढ़ ली है, ये 6 लिखी है, 7 लिखी है, 8 मैंने यहाँ पे लिखी है, और भी टाइप्स हम आगे आपको करवाऊंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको MOT से वो पूछ सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, आपको MOT दे दिया जाएगा, मतलब आपको MOT बनाना पड़ेगा पहले तो, ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया होमोडायटोमिक के लिए, हेट्रोडायटोमिक के लिए दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको बोलेंगे कि आप बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से कैलकुलेट करो। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो आप कैसे निकालोगे, जिसको सीधे सीधे निकालना है तो आप क्या करोगे, हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग ये करके निकालोगे, ठीक है। लेकिन इसकी भी सीधी सीधी मैं ट्रिक ही आपको दे देती हूँ, जो आपको याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है, और ये क्या है आपकी ट्रिक है बॉन्ड ऑर्डर के लिए, ठीक है। इस बॉक्स को बस आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है आपके नंबर ऑफ, ये क्या है आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 9 हो जाए, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन 9 हो जाए तो उसके जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका बॉन्ड ऑर्डर आता है मॉलिक्यूल का वो क्या आएगा, 0.5, ध्यान से देखना। अगर इलेक्ट्रॉन आपके 9 है तो जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है 0.5, अगर 10 है इलेक्ट्रॉन तो 1, अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 12 है तो 2.0, 13 है तो 2.5, 14 है तो 3.0। अब देखो याद करने का तरीका क्या है कि हमें याद कैसे रहेगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 14 तक याद रखना है, जो ये 14 है यहाँ तक आप याद रखोगे, यहाँ पे 0.5 आपको ऐड करना है हर बार, 0.5 ऐड करा इसमें तो 1 बन गया, फिर ऐड करा 1.5, फिर इसमें 0.5 ऐड करा तो 2.0, इस तरीके से जब हम इसमें ऐड करते जाएंगे तो यहाँ तक हमारे पास चलता जाएगा, लेकिन आपको 14 तक याद रखना है। 14 पे क्या आएगा आपके इलेक्ट्रॉन 3 आते हैं, ठीक है। 14 के बाद क्या होता है, 15, 16, 17 ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर आपके आते हैं तो यहाँ से वो क्या होता है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, बस इसको छोड़ना है, ये आ गया, उसके
बाद क्या आएगा 2.5 इसके 2.0 1.5 इसके बाद 0.5 इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चंस भी लिखे हैं तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ कैसे। देखो ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में आपके कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितने होते हैं 8 तो देखो एक में 8 है तो दो में कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन टोटल है, लेकिन यहाँ पे प्लस किया हुआ है मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपका निकाला गया है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो कितना रहेगा ये 15। ठीक है, तो 15 इलेक्ट्रॉन है, अगर 15 देखे तो यहाँ पे 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5, तो सीधा सीधा हम निकाल सकते हैं ना यहाँ से। बस उस झंझट में हमें पढ़ना ही नहीं पड़ा, हाफ लेंगे, बॉन्डिंग देखेंगे, फिर माइनस एंटी बॉन्डिंग करेंगे, अगर कहीं पे वो गलती हो गई तो बॉन्ड ऑर्डर सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा। तो इसलिए मैं क्या बोल रही हूँ, सिर्फ ये वाला याद रख लेना, अच्छा मेथड है ये। ठीक है, अगर इसमें देखें, देखो ये क्या है आपके पास 7 होता है प्लस ये क्या कितना हो गया 6। ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके पास 7 प्लस 6 13 प्लस 1 कितना हो गया 14। ठीक है, ये कितना हो गया 7 प्लस 6 30 1 माइनस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो 14 के लिए 3.0। ठीक है, मतलब 3 आए हैं, समझ में आ रही है। लेकिन आपको इसको याद रखना पड़ेगा, एक्सेप्शन जो है आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही, क्यों? क्योंकि देखो इसके इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 है और इसमें 6 है तो कितने हो गए 14 में से एक माइनस किया है तो इलेक्ट्रॉन कितना आना चाहिए 13। तो 13 के लिए आपके पास 2.5 आना चाहिए, समझ रहे हो। जब इसमें ऐड किया तो 14 आया, 14 में से एक माइनस करा क्योंकि पॉजिटिव है, माइनस करा 13 आना चाहिए, 13 इलेक्ट्रॉन के लिए 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आता है। बस सिर्फ इसको ही याद रख लो, बहुत अच्छा मेथड है, सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, एक्सेप्शन सी ओ पॉजिटिव की जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 है, बाकी सब पे अप्लाई होगा, सिर्फ सी ओ पॉजिटिव पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो सिर्फ इसको याद रख लेना आप अच्छे से। ठीक है, तो ये वाला जो आपका था 6th टाइप था, उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप 7th। तो टाइप 7th में क्या है, जो भी आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा, जो भी यहाँ से आपका बॉन्ड ऑर्डर आता है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है देखो बॉन्ड, हाँ एक चीज़ और, जो आपका एमओटी होता है, एमओटी से आपको ज़रूरी नहीं है कि वो बॉन्ड ऑर्डर पूछे, वो आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ भी पूछ सकते हैं, वो आपको बॉन्ड लेंथ भी पूछ सकते हैं, वो आपको बॉन्ड एनर्जी भी पूछ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो, बॉन्ड ऑर्डर निकालने से आपके पास यहाँ पे चार सवाल और सॉल्व होते हैं। कैसे, अगर आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ का पूछ लिया जाए, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ ली जाए, तो अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकाल आता है तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, तो आप निकाल दोगे। ऐसे बॉन्ड एनर्जी जो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो वो भी आप निकाल दोगे। ठीक है, जितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा उतनी बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, लेकिन जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, बस जो भी बॉन्ड ऑर्डर आता है आपको उसका उल्टा कर देना, वो बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। जो टाइप 8 है आपकी, इसमें क्या है, जो बॉन्ड ऑर्डर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्टेबिलिटी के। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको पता है तो आप स्टेबिलिटी भी अच्छे से निकाल लोगे। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने ना ये एक और वीडियो में करवाया हुआ आपको बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा मैंने करवाया कब, लेकिन मैंने पक्का करवाया है आपको, जिन स्टूडेंट्स ने देखा होगा उनको याद आ गया होगा, लेकिन मैंने आपको करवाया जरूर है। तो यहाँ पे आपकी 8 टाइप हो गई है, आगे हम देखते हैं कि आपको और क्या कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो एमओटी है ना उसकी 2 वीडियोस बनेंगी, क्योंकि अभी इस वीडियो में बहुत बड़ी हो जाएगी ये वीडियो। ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस भी कराने हैं, जो भी मैंने टाइप्स बताई हैं उन सारे टाइप के मुझे एक-एक क्वेश्चन भी करवाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इसलिए सभी टाइप्स आज हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी उसमें हम क्वेश्चन सारे कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं और टाइप क्या क्या कुछ पूछ सकते हैं आपको, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपकी जो लास्ट टाइप है वो रह गई है, यहाँ से हम वो कर लेते हैं अभी। तो देखो यहाँ पे क्या है टाइप 9th में, देखो अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल है अगर उस मॉलिक्यूल में मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, सपोज आपके पास O2 है, ठीक है, O2 है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने बनते हैं टोटल 16। अगर इसमें से मैं O2 पॉजिटिव इसको लिखूं, तो यानी मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसमें माइनस किया तो कितना रह गया 15। ठीक है, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मैं निकाल दूं, ठीक है, तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी भी क्या है, इंक्रीज कर जाती है। इसको हम एग्जांपल समझते हैं। देखो जो O2 है, O2 का 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 उसका ऑर्डर आता है आपका 2.0 यानी 2 आता है।
ठीक है, टू आता है, समझ में आ रही, 16 के लिए दो आता है। अगर O2 पॉजिटिव है तो इसमें कितना है 15, तो 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आता है आपका 2.5, ठीक है। ये 2.0 था यानी 2 था, तो इसके लिए कितना आता है 2.5, दो आ रहे थे यहाँ पे, ढाई आ रहा है, तो यानी आपका यहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, और आपकी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर ऐसा ही आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर उसमें से उसमें क्या करते हो, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देते हो, तो ऐड करने से क्या बन जाएगा, नेगेटिव, यानी ये जो 16 है इसमें आप O2 है, अगर इस O2 को आप लिखो नेगेटिव इस तरीके से, तो 16 में क्या हो जाएगा, आप एक ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा आपका 17, ठीक है। तो उससे क्या होता है आपके पास, उसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। कैसे, देखो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है 2 आ रहा था, ठीक है, लेकिन जो 17 आपके इलेक्ट्रॉन आया है, इसके बॉन्ड ऑर्डर आपका आएगा 1.5, ठीक है, 1.5, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या होगा, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उससे बॉन्ड ऑर्डर भी गिरता है और उसकी स्टेबिलिटी भी यहाँ पे गिर जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास टाइप 9th नहीं है ये, ठीक है, टाइप 10th है शायद, ठीक है, देख लेना आप कौन सी टाइप है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको करना होता है, देखो इसको हम बोलेंगे जो ये पहला टाइप है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला है, इसको हम बोलेंगे गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं, ठीक है, और ये काम क्या करते हैं, एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जितने भी आपके क्वेश्चन नेट और गेट में या फिर कोई भी एग्जाम है, कि मैंने यहाँ पे बता दिया कौन से आपको MOD से सवाल आ सकता है, वो मैंने सारे आपको बता दिए, टाइप्स हमने डिस्कस कर ली हैं। अब यहाँ अब बात आती है जो भी क्वेश्चन होते हैं यहाँ से, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी। तो इस वीडियो में आप यहाँ पे हम जो भी कितनी टाइप्स हैं आपकी, वो सारी यहाँ पे डिस्कस हो चुकी है, जो भी आपके एग्जाम, जरूरी नहीं है नेट गेट है, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, तो कैसे कैसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आपके यहां से बन सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। सारे टाइप्स अगर आप पढ़ के रखोगे तभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी MOT की वो देखने का फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं इससे ही नेक्स्ट लूंगी वहां पे सारा पीछे, यहां तो मैंने पढ़ा दिया, अगर जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख के आएगा तभी उसको नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगी, अदरवाइज उसको देखने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जाने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, इसको अच्छे से पढ़ लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।